स्वागत है तुहाडा एक बार फिर। अज की इस वीडियो में आप डिस्कस करांगे जमात अठवीं लई साइंस विषय का विज्ञान विषय का टर्म वन का सैंपल पेपर जां असीं कहिए मॉडल टेस्ट पेपर टर्म वन लई। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो में तुसीं बड़े ध्यान नाल समझना क्योंकि इन्हां दे विच्चों कुछ क्वेश्चन तुहानूं टर्म वन लई पूछे जा सकते हैं जां इन्हां वर्गे क्वेश्चन तुहानूं पेपर दे विच पूछे जा सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आपां स्टार्ट करते हैं अपनी अज की वीडियो। पहला प्रश्न है साडा, बीज ड्रिल किस लिए वरत्या जाता, सीड ड्रिल किस लिए वरत्या जाता है, वाढ़ी लई, बीज की सफाई लई, बिजाई लई, बूटी लई। किस लिए वरत्या जाता बेटा, बिजाई लई, बीजन लई। ठीक है, सीड ड्रिल है जिहड़ा वरत्या जाता। पौष्टिक तत्तां नाल भरपूर रसायणिक पदार्थां नूं की कहा जाता है, खाद, फर्टिलाइजर। ठीक है, पौष्टिक तत्तां नाल जिहड़ी भरपूर रसायणिक पदार्थ हुंदे ने उहनां नूं असीं की बोलदे हां, खाद बोलते हैं। ठीक है, जिहड़े फसल के वाधे के विकास लिए पाए जाते हैं। नैक्सट, ढुकवें अंतरालों पर फसल नूं पानी की सप्लाई जिहड़ी असीं दिंदे हां उहनूं की कहा जाता बेटा, सिंचाई। की कहा जाता, सिंचाई। नैक्सट, मटर के पौधे दीआं जड़ गंढां विच मौजूद बैक्टीरिया हन किहड़े ने, भी किहड़े बैक्टीरिया ने मटर के पौधे दीआं जड़ गंढां विच, राइजोबियम। नैक्सट है साडा, किहड़ा जीवाणु दुध तो दही बनने विच सहायता करता है, किहड़ा जीवाणु करता बेटा, लैक्टोबैसीलस नाँ का जीवाणु। नैक्सट, वह प्रक्रिया जिस द्वारा वायुमंडल विच नाइट्रोजन की मात्रा इको जिही रहिंदी है नूं की कहा जाता है, नाइट्रोजन साइकल, नाइट्रोजन चक्कर। किहड़ा सूखम जीवाणु एड्स का कारण बनता है, किहड़ा बनता, भी वायरस, एक विषाणु, HIV बोलते हैं उन्होंने असी। ठीक है, भी एड्स का जिहड़ा वायरस है उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे विच की बोलते हैं, HIV। नैक्सट, सब तो ज़्यादा क्रियाशील धात केड़ी है, तांबा, चांदी, पोटाशियम, कैल्शियम, केड़ी क्रियाशील है इन्हां विचों, भी पोटाशियम, सोडियम के पोटाशियम है जिहड़ियां धातां ने, सब तो ज़्यादा क्रियाशील धातां ने। निम्नलिखित विचों केड़ी धात सब तो ज़्यादा नरम है, सब तो ज़्यादा नरम केड़ी धात है, भी सोना, सोना धात है जिहड़ी, सब तो ज़्यादा नरम धात है। धातमी अते अधातमी गुणों वाले पदार्थ किहड़े ने, भी जिहड़े धातां दे गुण भी रखते हैं ते अधातां दे गुण, अधातां दे गुण भी रखते हैं उन्होंने की बोलते हैं असी, उपधातां बोलते हैं। ठीक है, भी धातां दे ते अधातां दे गुण, मैटल ते नॉन मैटल दे गुण जिहड़े रखते हैं उन्होंने मैटालॉइड्स बोलते हैं, उपधातां। लोहे का गलवैनीकरण इन्हां विचों किस नाल कीता जांदा है, किस नाल कीता जांदा, भी जिंक नाल। ठीक है, लोहे नूं जंग लगन तो बचाउण लई लोहे उपर जिंक दी परत चढ़ाई जाती है ताँ के लोहा, मतलब लोहे का खोरन ना होवे, लोहे नूं जंग ना लगे, क्योंकि जिहड़ा जिंक आ उह लोहे नालों घट क्रियाशील है। नैक्सट, हेठ लिखां विचों किहड़ी गैस जलन विच वरती जाती है, जां असीं कह लईए जलन लई मदद करती है, किहड़ी करती है, भी ऑक्सीजन गैस, O2, ऑक्सीजन गैस। तेजाबी वर्खा विच मुख तौर पर शामिल होंदे हन, की शामिल होंगे ने, भी नाइट्रोजन ऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड ते सल्फर डाइऑक्साइड, जिदे जिहड़े दो तेजाब बनाते हैं, नाइट्रिक एसड HNO3 ते सल्फ्यूरिक एसड। ठीक है, जिन्हां दी वजह करके तेजाबी वर्खा होंदी है। ठीक है बेटा, बालण दा कैलोरी मुल दर्शाया जाता है, किस विच दर्शाया जाता, भी कैलोरी मुल किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम दर्शाया जाता, मतलब पहली ऑप्शन इहदे लई सही है, किलो जूल प्रति किलोग्राम। सुनहरा सोने अते चांदी नूं पिघलाउण लई अग दे किहड़े खेतर की वरतों करता है, गहने तैयार करने लई अग दे सब तो बाहरी खेतर की वरतों करता है, क्योंकि अग लाट का यह सब तो बाहरी भाग आ जिहड़ा, वह सब तो ज़्यादा गर्म हुंदा है। नैक्सट, जंगलों की कटाई कारण की हुंदा, भी विश्व के तापमान में वाधा, धरती के तापमान में वाधा हुंदा है, बिल्कुल सही।
ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड का असंतुलन हो जाता है, भी संतुलित नहीं रहनी है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। वर्खा विच घट आता, वर्खा जी वो लगातार नहीं होंगी, तो उपरोक्त सारे ये चीज़ा हो जाए जंगलों की कटाई कारण, तो साड़ी सस्सा ऑप्शन उपरोक्त सारे है जी वो सही आऊगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा विच वाधे के नतीजे वजों की होंगे, की होंगे भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है तो उस नाल की होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होंगी है, धरती का तापमान जोड़ा वो लगातार बढ़न लगता है, ठीक है। मिट्टी की उपरली उपजाऊ परत के नष्ट होने पर की होंगे, की होंगे भी मारूथलीकरण, ठीक है, मिट्टी है जी वो उपजाऊ परत नष्ट हो रही है, तो जी भूमि है वह बंजर बन जाएगी, मारूथल बन जाएगी, ठीक है बेटा। वो सैल जिन्हां विच परमाणु झिल्ली की घाट है, मतलब जिन्हां विच परमाणु झिल्ली नहीं होंगी, उन्होंने असं कि सैल बोलते हैं भी प्रोकैरियोटिक सैल, आड़ ऑप्शन। जीन हेठ लिखा बच्चों कितने स्थित होंगे, जीन स्थित होंगे भी गुण सूत्रों के, गुण सूत्र। सैल झिल्ली का एक होर नाम केड़ा है, सैल झिल्ली में असं की बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, सैल झिल्ली का एक होर नाम है प्लाज्मा झिल्ली। सीधे अपनी जी संतान पैदा करने वाले जानवरों की कहा जाता, बच्चे पैदा करने वाले जंतु, एक तो अंडे देने वाले जंतु होंगे है जोड़े अंडे देंगे ने फिर उन्होंने तो बच्चा पैदा हों, एक सीधे बच्चे ही पैदा करते हैं उन्होंने असं बोलते हैं बच्चे पैदा करने वाले जंतु। मनुखा या मादा भ्रूण कितने विकसित होंगे बेटा, बच्चेदानी भ्रूण विकसित होंगे है। नैक्सट क्वेश्चन है साड़ा, इन्हों किस विच बाहरी निषेचन होंगे, ठीक है, जी मतलब कह लिए भ्रूण का विकास है जोड़ा वो बाहर ही हो जाता है, अंदर नहीं होंगे, किस विच होंगे भी फ्रॉग्स के डड्डू के होंगे, ठीक है। साढ़े आले दुआले हवा द्वारा जो दबाव पाया जाता है उसनों की कहा जाता है, वायुमंडली दबाव, एटमोसफिरिक प्रैशर। इन्हों बल किसू बदल सकता है, भी वस्तु की दिशा बदल सकता है, जो कोई वस्तु जा रही है वस्तु की चाल भी बदल सकता है, वस्तु का आकार भी बदल सकता है, मतलब उपरोक्त सारे काम आ जोड़े वो एक फोर्स है जी बल है वो कर सकता है। दबाव की होंगे प्रैशर, ठीक है, दबाव में अस इंग्लिश की बोलते हैं बेटा प्रैशर, ये कि इक्वल होंगे, प्रैशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब बल, एरिया मतलब खेत्रफल, जिहड़ा दबाव है प्रैशर है वह बल बटा खेत्रफल के बराबर होंगे, मतलब आड़ ऑप्शन साड़ी सही होगी, बल बटा खेत्र जिसते ये काम करता है। जदों दो बल उल्ट दिशा में काम करते हैं तो नैट बल किस दे बराबर होंगे, दो बल उल्ट दिशा में काम करते हैं तो नैट बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होंगे, ठीक है, भी जेड़े पासे ज़्यादा बल लगेगा उसके उल्ट पासे जोड़ा वो बल नैट लगेगा, ठीक है भी। समतल सतह पर होएगी, घट रगड़ बधेरे रगड़ कदे घट कदे ज़्यादा, उपरोक्त सारे जी समतल सतह है उसते रगड़ा जी वो घट होएगी, ठीक है, लैस फ्रिक्शन। एक शुरुआती गति देना छड़ी गई एक खिडौना कार सब तो लंबी दूरी किस सतह पर तय करेगी, भी चिकड़ वाली सतह, पॉलिश की संगमरमर की सतह, सीमेंटड सतह, इट की सतह, किसते पॉलिश की संगमरमर की सतह पर, क्योंकि इस पर फ्रैक्शन है जोड़ा रगड़ वाला सब तो घट लगेगा। नैक्सट क्वेश्चन है, हेठ लिखा विचों केड़ा साइकिल दे टायरां दे घस जाने लिए जिम्मेवार है, केड़ा जिम्मेवार है, भी फ्रिक्शन रगड़ बल, ठीक है, टायर घसते ने अपने जुत्ते घसते ने बूट चप्पल सारा घसता है, वो किस कारण घसता, रगड़ बल कारण, ठीक है भी। स्नेहक लुब्रीकेंट्स वो पदार्थ हैं जो वरते जाते हैं, किस लिए वरते जाते हैं, भी रगड़ बल नूं घटाउण लई, रगड़ घटाउण लई। घट दृष्टि वाले व्यक्ति किस विधि राही शब्दों को पढ़ अते लिख सकते हैं, घट दृष्टि वाले जां जिन्हां दी दृष्टि नहीं है अन्ने कह लिए, ठीक है भी, तो किस नाल सीखते हैं, भी ब्रैल पद्धति, ब्रेल पद्धति भी इहनूं बोलते हैं। एक उल्लू रात को स्पष्ट तौर पर वेख सकता है पर दिन समय नहीं, क्योंकि उस दीआं अक्खां विच वधेरे रॉड सैल हुंदे ने, कुछ कोण सैल हुंदे ने, ठीक है, वधेरे रॉड सैल, जिहड़े कोण सैल हुंदे ने, कोण सैल वो ज़्यादा प्रकाश प्रति संवेदनशील हुंदे ने, जिहड़े रॉड सैल हुंदे ने वो घट प्रकाश प्रति
संवेदनशील होंगे ने, और रात में देखता तो उन्होंने घट प्रकाश प्रति संवेदनशील चाहिए ने, मतलब रॉड ज़्यादा होंगे कोण घट होंगे। एक कलैडियोस्कोप बनाने लई सानू किस दी लोड़ है, सानू किस दी लोड़ पैंदी है भी, 3 समतल शीशा की लोड़ पैंदी है। ठीक है बेटा, ये सीगा तुहाडा 8वीं जमात लई साइंस का टर्म 1 का मॉडल टेस्ट पेपर। मैं उम्मीद है तुहानू ये समझ आ गया होगा। थैंक यू बेटा।